कोतवाली क्षेत्र के गांव ननमई गांव को अजय तमंचे लेकर पहुंचा, जहां तमंचे के दम पर उसने एक किशोरी से दरवाजा खुलवाया और उसके साथ दुराचार किया। जानकारी होने पर पिता ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी उसे भी तमंचा सटा दिया। इससे पिता के होश उठ गए, वे शोर मचाते हुए घर से बाहर की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। रात में पेशाब करने उठे हैं तो दरवाजा खोले, पेशाब कर रहे थे, वो अंदर घुस गया और मेरा मुंह दाब लिया, यहाँ बंदूक लगा दिया था, बोल रहा था चलो, फिर हम नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती हमको ले गया, हमारे साथ गलत काम किया, हम बहुत मना कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, हमारा मुंह दाबा था। फिर हमारे मम्मी पापा जाग उठे थे तो मम्मी पापा की भी बंदूक यहाँ लगा दिया था, फिर मम्मी पापा बहुत डर गए थे, फिर मम्मी जल्दी गई है, फिर दरवाजा खोल दी नहीं आगे के, फिर चिल्ला दिए हैं ना तो बहुत आदमी लोग आ गए थे तो उसको पकड़ लिए थे। फिर कौन था, क्या नाम? उसका नाम अजय था। जानकारी होने पर मोहल्ले के तमाम लोगों ने उन्हें घेर लिया, आरोपी को बाहर निकाला गया। आरोपी ने तमंचा लहराते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी ग्रामीणों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। सूचना सैनिक कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा बरामद किया और आरोपी को पकड़ कर कोतवाली ले आई। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर दी है। घर में एक लड़का पाया गया जिसके पास तमंचा है। बताया जा रहा है कि उसके घर के एक लड़की के साथ उसका संबंध था, जिसमें घर वालों ने उसको पकड़ लिया है और उनको पुलिस को हवाले कर दिया है। जो विधिक कार्रवाई है प्रचलित है, शीघ्र अन्य कार्रवाई। कौशाम्बी से रामकृष्ण पटेल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।